स्वर का सीधा मतलब है साउंड, जो साउंड बेस जो आपके लेटर्स हैं उन्हीं को तो स्वर कहते हैं, ए ई आई ओ यू वोवेल्स अंग्रेजी में। तो इनमें कहीं भी ना तो गला आपस में मिल रहा है, ना दांत मिल रहे हैं, ना होंठ मिल रहे हैं। आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ ये सब जो है क्या है, स्वर है। इनको स्वर कहा है, स्वर का मतलब इनमें एक साउंड है, लेकिन व्यंजन में साउंड नहीं है, है ना। व्यंजन के अंदर साउंड नहीं होता है, वो अधूरे होते हैं। दिलबाग अभी कैसे आ गए आप, 8 बजे का टाइम है ना आपका? वैसे देख रहा था सर जी, मतलब। अच्छा, ऐसे मत देखा करो ना, क्लास हो रही होती है। ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी लीव कर लो आप। देखने की बात है थोड़ी है कि भाई लिंक आ गया तो चलो वही है कि गुग्गी नाम है तोड़ के दिखा लिंक आ गया तो साला क्लिक जरूर करेंगे। अब मैं तो बताऊं संडे वाले लिंक का क्या हो रहा है। संडे को 7 बजे क्लास हो रही है, तो हर रोज शाम को 7 बजे अगर मैं कोई दूसरी क्लास ले रहा हूँ तो कोई ना कोई फ्री क्लास वाला उसमें जरूर आके, मैं डिनाय कर देता हूँ, हालांकि आएंगे जरूर कि 7 बजे संडे था या मंडे था या ट्यूजडे था, क्या था, 7 बजे का तो लिखा, लेकिन ये नहीं देखा कि उसमें संडे भी लिखा। इतनी बुद्धि नहीं लगाते लोग, और बस ज्वाइन कर लो, लिंक मिला है तो ज्वाइन करो, देखे तो सही क्या होता है इसमें, आजमाते जरूर। चलिए, तो बात चल रही थी आवाज। जब स्वर अपने आप में एक आवाज है, और लेकिन संगीत में कौन सी आवाज, संगीत में हर कोई आवाज तो काम आएगी नहीं, संगीत में सिर्फ वही आवाज आएगी काम में जो कान को अच्छी लगे, कानों को जो प्रिय हो, और कानों को जो प्रिय होगा वो आवाज साइंटिफिक होगी, मतलब एक निश्चित उसमें बंधी हुई होगी मीटर में कि भाई ये इतना फ्रीक्वेंसी है तब ये साउंड हो रहा है, और वो एक जैसा होता रहेगा, है ना। तो वो जो एक जैसा साउंड जो है ना, वही ता बन जाता है या वही स्वर बन जाता है। अब ये बिखरा बिखरा अगर साउंड, सब जगह है दुनिया भर में कितने साउंड बिखरे पड़े, हम अभी यहाँ बैठे हैं, कहीं चिड़िया बोल रही है तो कहीं कुछ गिर रहा है, तो कहीं कोई पीट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जानवर बोल रहा है तो कहीं कुत्ता भौंक रहा है, सबकी आवाजें हैं, लेकिन ये सभी स्वर नहीं है, संगीत के स्वर नहीं है ये। संगीत के तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वैज्ञानिक विधि से तय किए हुए सारे गामा पैदा नहीं है, इन्हीं में से ढूंढे गए, इन्हीं फ्रीक्वेंसी को, जैसे कि उस दिन 240 की बात चल रही थी, तो वो सत्य है अपने आप में, तभी सुर बना। अब अगर हम आ जाए थोड़ी सी क्या कहते हैं नीचता पे या इस तरह की बातें करने में कि अपने लेवल की, कि जिसमें कोई किताबी और शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा प्रभाव है कि मैं मानवीय जीवन से जोड़ करके बताता हूँ कि कैसे ये जीवन है, तो उस विषय में अगर हम बात करें तो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ था ना, तो उसने साउंड नहीं किया, उसको थप्पड़ मारा गया, पहले रुलाया जाता है, जबरदस्ती उसको मारा, पीट के रुलाते हैं, यानी कि पीटने से स्वर निकला, थपथपाते हैं पीछे। हाँ, फिर उसके बाद अब हम आ जाए 60 और 30 की बीपीएम में, और स्वर कैसे बन रहा है, पीटने से ही तो बन रहा है, पीट लगती है तो स्वर बन रहा है, जब हम कहीं धमाका करते हैं तो उसमें से साउंड आता है, हम दीवार पे अगर जोर से मुक्का मार दें तो भी पूरी दीवार का वाइब्रेशन आपको सुनाई देगा, जमीन पे मुक्का मार दें, पैर मार दें तो भी साउंड होगा, यानी कि पीटने से, बीट करने से, मारने से साउंड पैदा होता है, फिर वो चाहे किसी को थप्पड़ी क्यों ना मारा हो, साउंड निकलेगा। तो बचपन में हमारी मानवीय प्रवृत्ति यह है कि जब हम पैदा हुए तो बिना पिटे स्वर नहीं निकला, और फिर बिना पिटे हम सोए नहीं, थपकी दे दे करके लोरी भी सुनाई गई, गाना भी सुनाया गया, और जिस जिसने भी गोद में लिया उसने गा गा करके हमसे बातें की, ओले मेरा बच्चा ओले क्यों रो रहा है, ऐसे बोला, कविता बना के हमको कानों में डाली गई, एक तुकबंदी हमारे कानों में गई, थपकी के माध्यम से एक बीट हमारे कान पे बजी है,
तब जाके हम ऑटोमेटिकली सुर में भी आए हैं और लय में भी है, कुछ लोग सुर में लय में। अब ये प्रक्रिया किसी के पास हो सकता है, गॉड गिफ्टेड हो तो पैदा होते ही कोई कोई बच्चा रोने लग जाता है बिना पिटे भी। तो जो बिना पिटे बिना थपथपाए अगर रोने लग गया है, इसका मतलब वो सुरीला निकलेगा, सुर का ज्ञान उसको ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। जो पिट करके आया सामने रोया, इसका मतलब वो सुर में नहीं है पर उसको लाया जाएगा बीट बता बजा बजा के। तो हम तो बच्चा पैदा होते ही बता देंगे। उस समय अगर मैं खड़ा हूँ डॉक्टर की जगह तो मैं कह सकता हूँ कि ये सुर में रो रहा है, ये सुरीला है, ये जरूर संगीतकार बनेगा। उसकी आवाज सुन के मैं बता सकता हूँ कि बच्चा कैसे रोता है, उसके रोने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि ये सुर में रहेगा या ताल में नहीं रहेगा या बीट क्या आएगा। तो बीट मतलब पीटना है और बिना पिटे सुर निकला नहीं, और जब पिटे तो सुर निकला, यहाँ तक कि थपथपी दे करके भी सुर निकला, और जब स्कूल में गए जुगल बाबू की तरह तो वहां भी बीट्स ही काम आई। हर 45 मिनट पे 40 मिनट पे एक घंटी बज जाती थी, उसमें भी साउंड होता था। और फिर जब तुम कभी ढंग से काम नहीं करते थे तो थप्पड़ भी पड़ता था, दैट वाज आल्सो बीट, वो भी बीट ही थी, एक चटाक से मुंह पे पड़ा और वो बीट टाइमिंग में पड़ती है। थप्पड़ कोई ऐसे नहीं पड़ता है बेताला, थप्पड़ लय में पड़ता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है ना तो वो लय में थप्पड़ मारता है, चटाक 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 चटाक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लय चल रही होती है थप्पड़ों की। और जब इस लय में थप्पड़ पड़ता है तो आप सुर में आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि सुर में आ गए। अब सुर में आ गए, अब सही चल रहे हो, यानी कि सारे काम आपके ठीक हो गए। तो बीट जो है आपके सभी कामों को ठीक कर देती है, फिर वो चाहे दिमाग भी ठिकाने लाना हो ना तो भी बीट से ही आएगा या गला सुर में लाना हो तो बीट को सुनने से ही आएगा। तो माइंड को ठिकाने, अभी देखो हमसे कई भूल हो जाती है, कई बार बोलते बोलते गलती कर जाते हैं। जैसे अभी सुना साहब को ले लो, ये बजाते बजाते जब इनसे गलती होती तो क्या करते, अरे ऐसे करके एकदम माथे पे हाथ मार देते। ये किसी ने नहीं कहा इनको कैसा करना, या कोई भी व्यक्ति हो, सुना साहब की बात क्या करे, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही कहता ओह क्या गलती हो गई, अरे यार कुछ नहीं तो पाँव पे ही मार दिया, टांग पे मार दिया। कहीं ना कहीं ये हाथ मारने की प्रथा किसने सिखाई आपको, यार गलती हो गई तो बीट दो, एक ही बीट सही, पर गलती होने पे यस ओ चिट, अच्छा हो गया तो भी बीट ही मारते, कोई क्लैप कर देता एक, ये हुई ने देखो बात, ये अच्छी बात हो गई तो भी क्लैप, बुरी बात हो गई तो भी क्लैप। अरे ये क्लैप कहां से आया, क्यों कर रहे हैं, बीट वाय बीट, क्योंकि बीट हमारी फितरत है, बीट हमारे खून में है, बीट हमारे पैदा होने से ही ज्ञान करा दिया गया था हमको, बीट का और सुर का दोनों का ही। तो वहां से सुर और लय और ताल का जो ज्ञान चल रहा होता है, जिसको ध्यान में जिसने पकड़ लिया, किसी ने देख के कि ये लय में ठीक है, ये सुर में ठीक है, उसको म्यूजिक में डाल। ये नहीं कहा किसी बच्चे को जो लय में नहीं है, सुर में नहीं है, ताल में नहीं है, उसको फेंक दो म्यूजिक में जबरदस्ती, तब तो वो भी लेगा, क्योंकि उसको उतना ही पीटना पड़ेगा जितना कि पैदा होने से लेके 8 साल का हो गया अब तक पिटा नहीं, वो इतना ही पिटेगा 8 साल तक, बीट खाएगा, उसको एहसास कराएंगे तब जाके वो सुर में आएगा, तो उसको टाइम लगेगा। और कुछ लोगों को टाइम नहीं लगता, उसका सीधा से यही कारण है कि वो पिटते आए, बचपन से अगर बीट नहीं खाई पी होती, खाई भी बीट, पी भी बीट, सोए भी बीट, उठे भी बीट, जागे भी बीट, चलते फिरते बच्चों ने भी बीट किया, फ्रेंड्स ने भी बीट किया, रिश्तेदारों ने भी बीट किया, चाचा तो चूके ही नहीं चाचा ने भी बीट किया, पिताजी ने भी बीट किया, माताजी ने भी बीट किया, कोई बचा ही नहीं जिसने बीट नहीं मारा, चाहे किसी ने शब्दों की बीट मारी हो या फिर किसी ने हाथ से मुक्का मारा हो या थप्पड़ मारा हो और लास्ट में गोली मारी हो तो भी धमाका ही होता है। जय।